बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हाउ टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पार्ट 3। और ये हम बात करेंगे कुछ प्रोबेबिलिटी लॉ की। अब लॉज हमने पढ़ा था ना कि पीछे आपको बताया था मेथड सॉल्व करने के तीन है, या टेबल मेथड है, या कॉम्बिनेशन मेथड है, या प्रोबेबिलिटी लॉ है। तो ये जो हम कर रहे हैं इसको हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी लॉ के जरिए से। आइए हम इसको देखते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी लॉ तो आपको पता है तीन होते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, एडिशन लॉ है, या मल्टीप्लिकेशन लॉ है। तो कहते हैं एज वी नो दैट देर आर थ्री प्रोबेबिलिटी लॉज विच आर कॉम्प्लीमेंट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ। वन कैन यूज द रेलिवेंट लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन वन नोज द टाइप ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व्ड। अगर आपको ये पता है कि इसके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है, मतलब, तो फिर आप लॉ यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है, तो फिर लॉ आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपको पता चला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपको पता चला नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप एडिशन लॉ यूज़ कर लेंगे। आपको पता चला इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट इवेंट है, तो आप उसमें से मल्टीप्लीकेशन लॉ यूज़ कर लेंगे। आपको पता चला कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, द सिंपल बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन यूजिंग द probability law is that you not need to find the sample point. सबसे बड़ा जो benefit है इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर आपको sample points नहीं find करने पड़ते। You simply need to use the probability general formula to find required results. Simple formula use करेंगे और आप उसको लिख देंगे। सबसे बड़ा benefit इसका यही consider होता है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखें कि अगर तो आपके पास सैम्पल पॉइंट जो है वो, अगर एक ही इवेंट है, इंडिविजुअल एक इवेंट है सिंपल, वो जैसे कहते हैं कि लूडो का दाना फेंका हमने, उसमें से बताओ 6 के आने के चांसेस कितने हैं। तो इसको अब हम कैसे, किस लॉ के जरिए, क्या एडिशन लॉ से हम कर सकते हैं? एडिशन लॉ तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो कम से कम दो इवेंट चाहिए आपको। क्या हम मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन से भी नहीं हो सकता कि उसके अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो फिर किससे करेंगे? फिर पीछे बच जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हमें इसे कॉम्प्लीमेंट से करना चाहिए? एक ये क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व हो सकता है? तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व हो सकता है? आंसर है हाँ। क्या इसे कॉम्प्लीमेंट से करना चाहिए? तो आंसर है नो। क्यों? मतलब ये है कि अगर आपको उसने पूछा कि 6 आने के चांसेस कितने, तो आपको पता जी लूडो के दाने के अंदर टोटल जो आपके पास पॉसिबल आउटकम, मैं यहां बता रहा हूं, वो टोटल 6 है। आपसे वो पूछ रहा है कि 6 होते हैं ना टोटल, यानी 1 2 3 4 5। अब उसमें से वो कहता है कि जी 6 आने के चांसेस कितने, 6 एक ही होता है पूरे लूडो के दाने के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 1/6, दैट्स आंसर। अब हम कहें कि जी नहीं, इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ से हमने कर रहा है कि हमने लॉ से ही करना है, तो वो फिर ये कहता है कि क्योंकि आप 6 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जिसे कहते हैं अकरेंस, आप क्या है, कॉम्प्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा नॉन अकरेंस का। नॉन अकरेंस का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो उसका निकल आएगा। अब देखो लूडो के ना आने के जो चांसेस हैं वो 5/6 हैं, क्योंकि बाकी ये होते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो 6 - 5/6 वो ये हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो वो 1/6 ही आ जाएगा। तो बजाय इतना लंबा प्रोसीजर करने की, आपको क्या जरूरत पड़ी इसको लॉ से करने की? आप सिंपल उसको जो डायरेक्ट एक तरीके का कार है उससे आप इसको कर दें सिंपल। तो मतलब कि आप कर सकते हो हर क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से, लेकिन कहाँ किस मेथड को इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने एक जनरल आपको एक शुरू में बताया कि जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं कॉइन की और डाइस की, उसको हम टेबल मेथड से कर रहे हैं। बाकी यूजुअली हम कॉम्बिनेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। जहां हमें जरूरत पड़ेगी कि इसको लॉ से किया जा सकता है, उसका टच देना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे। आइए, हम एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जो कि पार्ट 2 है, तो उसमें आपको पता चला होगा कि सेम ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये वहां पे दिया हुआ है। लेकिन ये जो अब हम यहाँ कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लॉ से, और वहां पे जो किया गया है वो कॉम्बिनेशन तरीके से किया गया है। देखो जी, कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज किंग और एस कार्ड। सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको ऐसे लॉ से कर रहे हैं। आइए, कहता है ड्रॉन कार्ड, अब अपने सबसे पहले इवेंट्स को नाम दे देना है। कहता है ड्रॉन कार्ड इज किंग, इसको हमने E1 कह दिया। ड्रॉन कार्ड इज एस, इसको हमने E2 कह दिया। E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि अगर किंग आया एक ही तो पता है, तो या वो किंग का आया है तो फिर वो एस का नहीं है, और अगर वो एस का आया तो वो किंग का नहीं है। ये बात समझ लगी? तो इसका मतलब इवेंट्स कौन से हुए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
कि दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। अब जब ऐसे होता है तो प्रोबेबिलिटी इवेंट वन या इवेंट टू की निकलेगी, मतलब ये इनमें से कोई एक होगा। तो जब और आ जाता है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू, अब किंग कितने होते हैं, चार, तो टोटल पते कितने होते हैं, 52, तो 4/52 बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और जो एस होते हैं वो कितने, तो टोटल वो भी चार होते हैं, और वो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो 4/52 प्लस 4/52 आप इसको कर दें तो 8/52, और इसको आप चार पे डिवाइड कर दें तो 2/13, दैट इज योर आंसर। और ये सेम आंसर है जो कि आपने कॉम्बिनेशन से भी किया था। क्लियर होगी। प्रॉब्लम नंबर टू भी देख लें, जो कि हम दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन 1/1, यानी सक्सेशन में ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लॉ से कैसे करेंगे। अब ये कौन सा लॉ हमने अप्लाई किया, एडिशन लॉ, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ द 52 वेल शफल्ड कार्ड इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट यानी 1/1 विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज किंग एंड आ गए यहाँ पे, और जहाँ पे एंड आ जाता है तो आपको पता है वहाँ मल्टीप्लाई हमने करना होता है, अदर इज क्वीन। अब हम क्या कहेंगे, इवेंट वन को हमने कहा कि ड्रॉन कार्ड इज किंग, और इवेंट टू को हमने क्या कहा, ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। ठीक है, ये किंग है और ये क्वीन है, ये दो हमने कार्ड के नाम, इनको इवेंट्स को नाम दे दिए। उसके बाद अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसकी अकरेंस इसको इम्पैक्ट नहीं कर रही है। एक कार्ड हमने निकाला, उस कार्ड को हमने वापस रख दिए, तो वापस रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ा है क्वीन के ऊपर कि अब वो कितनों में से निकलेगी। ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता, लेकिन सैंपल स्पेस आते दो हैं इसके अंदर। तो खैर, यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन एंड इवेंट टू, क्योंकि दो ड्रॉ हो रहे हैं, तो अगर एक उसमें सपोज करो किंग है तो बाकी कोई दूसरा कार्ड होना चाहिए, वो उसने बताया है कि वो क्वीन होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें एंड आएगा, और जब एंड आएगा तो वो मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई लगाया था। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई इवेंट टू की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमने इसी तरीके से सेम है 4/52, क्योंकि चार ही किंग होते हैं, चार ही क्वीन होती है, टोटल कितने हैं 52, तो 4/52 मल्टीप्लाई 4/52, दोनों को मल्टीप्लाई किया 16/27/04, और इस बार आप कर लें डिवाइड तो 1/169 आ जाता है। या आप इसको यूं भी कर सकते हैं, 4 1s are 4 13s are 4 1s are 4 13s are 1 1s are 1 और 13 13s are 169, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट सिंपल, ये आपके पास एक तरीका था। ले जी, ये हो गया खत्म यहाँ पे, और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो करें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।